गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का लेक्चर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर हमने देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, क्रिस्टलाइन, डेफिनेट स्ट्रक्चर, दे हैव शार्प बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड वी हैव सीन दे आर कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। कई सारे फैक्टर्स देखे थे, और इसके अलावा हमने देखा था आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, वाइल देयर लैटिस एनर्जी इज वेरी हाई एंड दे आर मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स। टुडे वी विल डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आज हम देखने वाले हैं कि आयनिक बॉन्ड जब बनता है उस टाइम कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको निग्लेक्ट करने की ट्राई करते हैं। इसमें फर्स्ट फैक्टर वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या टर्म होती है वो देखिए। सबसे पहले देखो, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में हमने देखा था कि एक एटम जो होता है वो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, तो दूसरा एटम किसका फॉर्मेशन करेगा, नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो एटम से पॉजिटिव आयन का बनना और एटम से नेगेटिव आयन का बनना, दोनों ही जो प्रोसेस होती है, चाहे पॉजिटिव आयन का बनना हो देन दोनों ही प्रोसेस जो होती है ना वो एनर्जी बेस्ड होती है, चाहे पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो चाहे नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो। तो देखो, फर्स्टली हम क्या देख रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कोई भी एटम है, एटम हमेशा गैसियस स्टेट में होता है। गैसियस स्टेट से वेस्ट वर्ड काम में लेना चाहो तो आप बोल सकते हो एटम हमेशा न्यूट्रल स्टेट में होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। न्यूट्रल स्टेट में या फिर जीरो चार्ज की कंडीशन में एटम होता है। जब एटम से पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमको इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव तभी होगा जब एटम को क्या देंगे, अपन हीट देंगे, और हीट देने से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी सेल से बाहर की तरफ नॉकआउट करते हैं, है ना। एटम को एनर्जी देंगे, एनर्जी देने पर ही वो क्या करता है, नॉकआउट करता है। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब देखो, कोई भी एटम इजीली इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर देगा, इसका मतलब उसका आयन फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी अच्छी है, और आयनिक बॉन्ड के लिए हमको क्या चाहिए, इजीली आयन बन जाए। तो एटम्स विच हैव द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसे एटम्स जिनके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है, वो इजीली पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मेटल, मेटल कौन सी होती है, मेटल्स आर द एटम विच कैन ईजिली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन्स। एटम वो एटम्स जो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं उसको हम बोलते हैं मेटल्स, जिसमें एल्कली मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल्स, एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप की जितनी भी मेटल्स होती हैं वो ईजिली एम पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करती है। एम मेटल को डिनोट किया है, तो एम से एम पॉजिटिव आयन बनता है, किसमें, मेटल्स के अंदर। तो आयनिक कंपाउंड के लिए फर्स्ट क्या फैक्टर रहा है कि एटम्स विच हैव द लोअर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इजीली फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स। सेकंड जो टर्म है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसी की सिमिलर टर्म है। सेकेंड जो टर्म है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आप क्या बोलेंगे, जैसे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो टर्म किससे रिलेटेड है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। किसी भी एटम से द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी गैसियस एटम और न्यूट्रल एटम, ये तो डेफिनेशन थी आयनाइजेशन के लिए, यानी पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी। निगेटिव आयन बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसा वर्ड वैसे दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एंथैल्पी होती है वो। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करते टाइम क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हाई रिपल्सन होता है, रिपल्सन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। जब एटम की एनर्जी कुछ लॉस्ट होती है देन उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करवाते टाइम जितनी एनर्जी का लॉस होता है, जितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अब देखो, कोई एटम इजीली जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उतना ही अच्छा वो निगेटिव आयन बनाएगा,
तो सेकंड यही है कि एटम्स विच हैव द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी इजीली फॉर्म नेगेटिव आयंस, कि जिनके लिए इस एनर्जी की वैल्यू कम होती है वो इजीली नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं, और वो किसको प्रीफर करते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट होती है, आप ये जो टॉपिक है ये हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं हुए, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या है, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो रीड करने ज़रूरी होते हैं, इसलिए इस टॉपिक को मैंने उठाया है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द बोन फॉर्मेशन। तो कुछ कुछ टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, लाइटली आप इनको देखते जाएं, बस कौन सा फैक्टर किसको अफेक्ट कर रहे हैं। लैटिस एनर्जी, देखो इसको डेप्थ में इसलिए नहीं लिया है कि जो आपका थर्ड चैप्टर आएगा जो पीरियोडिक टेबल वाला, थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, इसलिए मैंने उसको लाइव क्लास के अंदर लेना ठीक नहीं समझा है। जब भी हम क्लास के अंदर फेस टू फेस होंगे उसको तब पढ़ेंगे, देन उस टाइम में आप इसको चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे कि आयनाइजेशन एन्थैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी क्या है। तो टेक्निकल टर्म्स हैं, जिस वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी उसी तरीके से आप उसको रीड करते जाए ना। और बेस बिल्कुल मैं जीरो लेके चलती हूँ, होप सो 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे हिसाब से उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और एक ये कुछ बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं कि मैम जो चैप्टर के बाद के न्यूमेरिकल्स हैं कब हो पाएंगे कब नहीं है, तो देखो उन चीज़ों के लिए मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है कि जहाँ तक आपसे हो सके न्यूमेरिकल्स आप करने की कोशिश करें, जब नहीं हो पाए तो ये चीज़ें ऐसी होती है जब खुद को डायरेक्टली एक्सप्लेन करेंगे तो ही समझ आएंगी आपको, क्योंकि हर एक फॉर्मूले पे मैंने न्यूमेरिकल्स करवाने की कोशिश करी है, तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट बन पा रही है तो उनसे ही होगी, अदरवाइज जो चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं उनके अंदर कुछ टर्निंग पॉइंट्स भी है जो आपको समझाऊंगी मैं। तो जब भी अपन क्लास के अंदर मिलते हैं ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा मेरी तरफ से जो आपको एक्सप्लेन नहीं करा जाएगा, या फिर आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं आई विल सॉल्व एवरीथिंग। ओके, अब देखो आप तो जितना आपसे हो पाता है या फिर जितना मैंने पढ़ा है उतने को आप अगर आप प्रिपेयर कर पाते हो तो बाकी सब मैं करवाऊंगी, ठीक है, इतना सब करने की वो नहीं है आपको। हाँ, अच्छा लगता है कि काफ़ी मतलब कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसका मतलब तुम लोग सीरियसली तो इस चीज़ को पढ़ रहे हो, है ना। तो जितना हो पा रहा है उतना करने की कोशिश करें, और नहीं हो पाए देन आई विल श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी पूछते हैं कि फिर नोटबुक में बनाने है क्या, तो उन महानुभावों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि नोटबुक डाल लें और पूरा होमवर्क कर लें आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आएं, कंसंट्रेट नाउ। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू, लैटिस एनर्जी होती है किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर दो उसके आयंस में। आई रिपीट द वर्ड्स, एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन, एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ए देन लैटिस एनर्जी क्या होती है, किसी भी क्रिस्टल को उसके आयंस में ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो है ना, एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ए क्रिस्टल इन देयर आयंस, कि किसी भी क्रिस्टल को उसके आयंस में ब्रेक डाउन करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, उल्टा बोलना चाहोगे तो एनर्जी विच इज रिमूव्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स आयंस, कि इसके आयन से क्रिस्टल के फॉर्मेशन टाइम में जो एनर्जी रिलीज होती है वो वाली एनर्जी, या फिर आप ये बोल सकते हो कि क्रिस्टल को ब्रेक डाउन करते टाइम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तब क्रिस्टल को ब्रेक डाउन करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्रिस्टल को फॉर्म करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, किसी भी आप टर्म में देख सकते हो, साइन का इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। हमारी केमिस्ट्री में साइन से एक ही मतलब होता है एनर्जी टर्म में, इफ़ यू गेन पॉजिटिव एनर्जी देन इट मीन्स एब्जॉर्प्शन या रिक्वायर्ड एनर्जी, और इफ़ नेगेटिव साइन देन रिमूव एनर्जी या फिर रिलीज एनर्जी को शो करता है। तो लैटिस एनर्जी जिन कंपाउंड्स के लिए नेगेटिव में होती है वो कंपाउंड्स मोस्ट स्टेबल होते हैं, तो आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए लैटिस एनर्जी नेगेटिव होती है, तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी आयनिक कंपाउंड्स को उतना ही अच्छा प्रेफर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये है, चार्ज ऑन आयंस मस्ट बी हाई, देखो चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी एटम उतना ही अनस्टेबल होगा, और जितना अनस्टेबल होगा उतना ही फास्टली बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा, है ना, कि एटम पे जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होने की वजह से वो क्या होगा अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या होगा हाईली अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्टेड होगा, और जल्दी ही वो क्या बनाएगा बोन फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी रखेगा। तो हाई चार्ज डेंसिटी ऑल्सो प्रीफर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बोन, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आयनाइजेशन एन्थैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, निगेटिव में होनी चाहिए,
और जो एटम्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो हायर होनी चाहिए, क्योंकि हायर चार्ज डेंसिटी की वजह से उनके बीच में इजीली अट्रैक्शन फोर्स का क्या होगा, प्रीफर होगा, और इजीली अट्रैक्शन फोर्स बनेगा तभी उनके अंदर आयनिक बोन क्या होगा, प्रीफर होता है, ठीक है ना। ये जो फैक्टर्स हैं वो किसको अफेक्ट करते हैं, आयनिक बोन फॉर्मेशन को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है थर्ड टाइप का बोन, आपने कोवेलेंट बोन पढ़ लिया है, आपने आयनिक बोन पढ़ लिया है, और आपने कोऑर्डिनेशन बोन पढ़ना है थर्ड। देखो मैं फटाफट रिपीट करके आगे बढ़ते हैं अपन। कोवेलेंट बोन, देखो कोवेलेंट बोन क्या था, बोन विच इज़ फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ऐसा बोन जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से या पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको आप कोवेलेंट बोन बोलते हो। दूसरी बात ये होती है कि कोवेलेंट बोन के अंदर, है ना, कोवेलेंट बोन के अंदर जो ब्रेकडाउन प्रोसेस होती है उसके टाइम में आयन्स का सेपरेशन नहीं होता है, आयन्स हीट करने पर या फिर अगर उनके बीच में कुछ भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो ही आयन्स का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है। नेक्स्ट उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने देखी, मैं बार बार नहीं बताऊँगी उनको क्योंकि काफ़ी बार रिपीट हो चुका है टॉपिक। नेक्स्ट हमने देखा आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड किसके बीच में, इफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से या कंप्लीट एक्सचेंज की वजह से अगर कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं इफ द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू आयन्स, आयन्स के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो उसको अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तीसरा आता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, सेम एटम्स के बीच में कोवेलेंट, डिफरेंट एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड, या फिर आयन्स के बीच में आयनिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है, या फिर दूसरी टर्म में इलेक्ट्रॉन की टर्म में शेयरिंग या पार्टनरशिप कोवेलेंट बॉन्ड, कंप्लीटली एक देगा एक लेगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड, इसका मतलब होती तो शेयरिंग या पार्टनरशिप ही है इसमें, इन विच टू एटम्स, दो एटम्स शेयर लोन पेयर, जिसके अंदर दोनों एटम्स अपने लोन पेयर को शेयर करते हैं, शेयर का मतलब कोई देगा कोई लेगा इस तरीके से, तो दो एक स्पेसिफिक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर दोनों एटम्स अपने लोन पेयर शेयर करते हैं एंड बाइंड विद ईच अदर। इन दिस बॉन्ड बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेट बाय वन एटम। सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात यही आई है कि आयनिक बॉन्ड था उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसके अंदर भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है, पार्टनरशिप होती है। यहाँ पे ये है कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेट बाय वन एटम, एक ही एटम दोनों क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, जोड़ा या फिर पेयर डोनेट करता है, जो देगा उसको आप क्या बोलते हो, डोनर एटम, और जो लेगा उसको क्या बोलते हो, एक्सेप्टर एटम। लोन पेयर वो होता है जो क्या होता है, या तो दिया जाता है या फिर लिया जाता है, जिस पे दो डॉट शो करते हैं अपन, हियर सिंगल साइड पार्टनरशिप टेक्स प्लेस, है ना। कि यहाँ पे सिंगल साइड पार्टनरशिप होती है, सिंगल साइड का मतलब होता है दोनों एटम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन सा बनता है, एक एटम देगा दूसरा लेगा, या फिर आप बोल सकते हो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हो। इतनी बात समझ में, एक्सचेंज ही है एक तरह का, या फिर आप पार्टनरशिप बोल रहे हो तो पार्टनरशिप बोलते हैं, लेकिन किसकी, इलेक्ट्रॉन की नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, एक एटम देगा तो दूसरा लेगा। पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं बन रहे इसमें, इसमें क्या बन रहा है, या तो डोनर एटम बन रहा है या फिर क्या बन रहा है, एक्सेप्टर बन रहा है, डोनर एक्सेप्टर। लेविस के अकॉर्डिंग डोनर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और एक्सेप्टर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है, है ना, देने और लेने के बेसिस पे एसिड और बेस बोल सकते हो आप उसको। जैसे इस बॉन्ड की एक पहचान होती है कि इसको हमेशा एरो से शो किया जाता है, ठीक है ना, एरो से शो करने का रीज़न ये होता है कि जिस जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वहाँ से एरो स्टार्ट होता है, उसका हेड जाता है किसकी तरफ, एक्सेप्टर एटम की तरफ जाता है, तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एरो का क्या होता है, हेड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट देखो, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, कोवेलेंट और आयनिक के मीडिएटर होते हैं। हालांकि आप लोगों को इतना डेप्थ नहीं है इस टॉपिक की तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप लाइटली देख लें इसको। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, मीडिएटर होते हैं, इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसके होते हैं, आयोनिक कंपाउंड के, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। देन किसके होते हैं, कोऑर्डिनेशन के, और सबसे कम किसके होते हैं, कोवेलेंट के, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स किसमें है, गैसियस या लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इसका मतलब वाटर के अंदर क्या है, पार्शियली सोल्यूबल हैं, रियल में क्या होती है, इनकी पीपीटी बनती है,
है ना। पीपीटी का मतलब होता है नीचे की तरफ जो बॉटम होता है उसके अंदर जाकर के कलेक्ट हो जाते हैं, तो पार्शियली सोल्यूबल होते हैं, कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं होते। देखो कैसे बनता है बोन, NH3 अमोनिया है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर फ्री रहता है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड है BF3 बोरोन ट्राई फ्लोराइड, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है, जबकि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। इसके पास लोन पेयर फ्री है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अगर होती है तो ये अपना लोन पेयर दे सकता है और ये इसका लोन पेयर क्या कर सकता है, ले सकता है। तो यहाँ पे एक लेने वाला है एक देने वाला है, अगर एक देने वाला और एक लेने वाला हो तो दोनों के बीच में एरो लग करके जो बॉन्ड बन रहा है उसको आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, जहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह ट्रीट करता है और बोरोन किसकी तरह ट्रीट करता है, एक्सेप्टर एटम की तरह ट्रीट करता है। जो डोनर एटम होता है उसको आप बेस भी बोल सकते हो और जो लेने वाला होता है उसको आप एसिड भी बोल सकते हो, किस कॉन्सेप्ट से, लेविस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि लेविस के अकॉर्डिंग जिस एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है उसको आप एसिड बोलते हो और जो लोन पेयर गेन करता है उसको आप क्या बोलते हो, है ना, जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है उसको आप बेस बोलते हो, लोन पेयर वो प्रेजेंट होगा उसके उसको आप बेस बोलते हो और जो गेन कर सकता है उसको आप क्या बोल सकते हो, एसिड बोल सकते हो, ऐसा लेविस कहता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि ऐसा स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर जो शेयरिंग होती है वो किसके पे इलेक्ट्रॉन पेयर की होती है, इसके अंदर क्या होता है बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेट बाय वन एटम, हियर सिंगल साइड पार्टनरशिप टेक्स प्लेस, कि इधर एक ही तरफ की जो पार्टनरशिप होती है वो होती है, इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो एटम लोन पे डोनेट करता है उसको डोनर एटम कहते हो, और जो डोनर एटम होता है वो किसकी तरह ट्रीट करता है, बेस की तरह ट्रीट करता है, और जो लेने वाला एटम होता है वो किसकी तरह ट्रीट करता है, एसिड की तरह ट्रीट करता है। इसको एरो से शो किया जाता है, डोनर एटम से एक्सेप्टर की तरफ एरो आता है, एरो देख करके पता चलता है कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए इसने लिए। दूसरी बात, अगर आप लेना चाहो तो डोनर पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और लेने वाले पर हमेशा चार्ज कैसा आता है, निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इनके क्या है, बीच के होते हैं, है ना। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं, बीच के होते हैं, जिनके अंदर कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड के मीडिएटर हैं, आयनिक से कम लेकिन कोवेलेंट से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट ये होते हैं सोल्यूबल होते हैं इसके अंदर, और ये इसका बॉन्ड है जिसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था इसलिए इसको डोनेट किया, तो नाइट्रोजन यहाँ पर डोनर की तरह है और जो बोरोन है वो यहाँ पर किसकी तरह है, एक्सेप्टर एटम की तरह ट्रीट कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बॉन्ड पैरामीटर्स। सबसे पहली बात ये आती है पैरामीटर्स किसको बोलते हैं, तो पैरामीटर्स क्या होते हैं, सम क्राइटेरिया विच डिफाइन द ओवरऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, कि कुछ क्राइटेरिया जो उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं या लिमिट्स जो हैं उसको आप बोलते हो पैरामीटर्स। तो एक बॉन्ड को डिफाइन करने वाले सारे लिमिट्स को अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है ना। एक बॉन्ड की टोटल जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको डिफाइन करने वाली जो लिमिट्स होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स बोलते हैं। इसके अंदर आपके ये 3-4 टर्म्स हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो है बॉन्ड लेंथ। देखो बॉन्ड लेंथ का मतलब है लेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की लेंथ को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। एटम का साइज बहुत माइनर है इसलिए डायरेक्टली बॉन्ड लेंथ को मेजर करना तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, तो किसी भी एलिमेंटल या मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एटम को लेते हैं और दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस निकालते हैं, द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ न्यूक्लियस विच आर बॉन्डेड विद ईच अदर। दो एटम्स जो आपस में एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं उनके न्यूक्लियस के बीच का डायरेक्टली जो डिस्टेंस होता है उसको आप क्या बोलते हो, बॉन्ड लेंथ बोलते हो, ठीक है। अब देखो बॉन्ड लेंथ जो है उसके अंदर अपने पास में ये है कि 3 तरह के बॉन्ड पड़े, आयनिक पड़ा है, कोवेलेंट पड़ा है, कोऑर्डिनेशन पड़ा है। तो सबसे लंबी बॉन्ड लेंथ किस में होती है, सबसे दूर की किस में होती है, ये तो देखो जब भी आप पढ़ोगे तो गैसेस जो होती हैं उनके बीच में वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, तो सबसे जो बड़ा बॉन्ड होता है वो तो होता है गैसेस एटम्स के बीच में, क्योंकि गैसेस एटम के बीच में सफिशिएंट डिफरेंस होते हैं, दो एटम्स या तो इतना पास पास हो, गैसेस के अंदर उसमें डिफरेंस होगा तो बीच की लेंथ भी बढ़ेगी। कोवेलेंट के अंदर क्या होती है, थोड़ी सी पार्टनरशिप होती है इसलिए वो टच में रहते हैं, और आयनिक के अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती है इसलिए उनके बीच का जो गैप होता है बहुत कम होता है। तो सबसे अच्छा बॉन्ड होता है किसका, सबसे जो हायर बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है गैसेस की, जिसको वंडरवॉल बॉन्ड बोलते हैं, उसके बाद में कोवेलेंट की, उसके बाद में आयनिक बॉन्ड की, ठीक है ना, और सबसे कम होती है मेटेलिक बॉन्ड की। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, वंडरवॉल मतलब गैसेस के बीच में, कोवेलेंट, ठीक है,
इसके बाद में आयनिक होती है और उसके बाद में क्या होती है, मेटेलिक बॉन्ड होती है। ऐसे ही देखो जो बॉन्ड लेंथ होती है उसको अफेक्ट करने वाले कई फैक्टर्स हैं। जैसे देखो दो हैंड हैं, उसको आपस में कनेक्ट करोगे सिंगल फिंगर के थ्रू जुड़े हुए, फिर दो फिंगर के थ्रू, फिर तीन, तो जैसे जैसे अटैचमेंट बढ़ता जाएगा उनके बीच का डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड से, फिर ट्रिपल बॉन्ड से, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होता जाता है तो दो एटम्स आपस में पहले सिंगल बॉन्ड से, फिर डबल से, फिर ट्रिपल से, तो उनके बीच का ओवरलैप रीजन इंक्रीज होगा। और जब ओवरलैप रीजन इंक्रीज होता है तो उनके बीच में डिफरेंस कम होगा, और कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर इंक्रीज होते हैं तो लेंथ क्या होती है, कम। सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी, सिंगल बॉन्ड की कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद में इसकी 1.39 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद में कितनी होती है, 1.28 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है ना। ये डेफिनेट डिस्टेंस है तो इसको आप याद भी रख सकते हो, 1.54, 1.39, 1.28 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होने पर क्या होगा, दोनों एटम्स के बीच का एरिया ज़्यादा होगा ओवरलैपिंग का, और ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी एटम्स बहुत पास पास आएंगे तो उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम होगा। ओवरऑल अपन क्या बोल सकते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अगली जो फैक्टर्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।